हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास ट्वेल्थ में ज्योग्राफी का चैप्टर है मानव बस्तियाँ, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसकी अब हमें जैसे मानव आरण्य शुरू में ऐसे ही जंगली उसके रूप में घूमता रहता था जानवरों की शिकार करने के लिए, आखेट के लिए, अपने भोजन की तलाश में घूमता था। लेकिन धीरे धीरे उसको उसका विकास हुआ, कृषि का उसने खोज की और पशुपालन उसने जब आरंभ कर दिया तो उसे क्या हुआ, अपने आवास की आवश्यकता महसूस हुई। तो आवश्यकता महसूस हुई तो धीरे धीरे उसने जो जहाँ उनको सुविधाएं मिली, जैसे नदियों के किनारे जो संसाधन थे वहाँ खेती करते थे, वहाँ उन्होंने अपने निवास बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार मानव बस्तियों की उत्पत्ति हुई। अब है सबसे पहले मानव बस्तियां हैं क्या या किसे कहते हैं। तो मानव बस्ती से अभिप्राय या आशय, मानव बस्तियों से हमारा जो आशय है वो किससे है, जहां पर मनुष्य निवास करता है, मनुष्य जहां पर रहता है उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, वस्ती कहते हैं, मकान कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं आवास कहते हैं उसको। तो मनुष्य ने अपने आश्रय के लिए जो स्थान चुना, आश्रय के लिए रहने के लिए उसने अपने निवास के लिए जो स्थान चुना, उस स्थान को हम मानव निवास कहते हैं। वह स्थान चाहे वो घास फूस से बनी झोपड़ी हो, लकड़ी की बनी कुटिया हो, ईंट पत्थर वालों से बने हुई और लोहे से बने हुई ऊंची अट्टालिकाएं हों या किसी राजाओं के राजमहल हों, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वो सब हाउस के अंदर आती हैं, मकान होते हैं, वो सब बस्तियों के अंदर आते हैं, इनको हम बस्ती कहते हैं। डॉक्टर हर्षन के अनुसार भूमि का वह भाग, भूमि का वह क्षेत्र या वह भाग जिस पर मनुष्य, जिस क्षेत्र को मनुष्य अपने रहने के लिए प्रयोग करता है उसको हम आवास कहते हैं या प्रवास कहते हैं या अधिवास कहते हैं, बस्ती कहते हैं। अब है बस्तियों का वर्गीकरण। बस्तियों को हमने कितने भागों में बांटा, बस्तियों को हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में, दो भागों में बस्तियों को बांटा। नंबर एक ग्रामीण बस्ती और नंबर दो नगरी बस्ती। अब ग्रामीण बस्ती, अब बात करते हैं ग्रामीण बस्ती की। ग्रामीण बस्ती में जो लोगों के गांव हैं उनकी संख्या में कम से कम होती है, और यानी 5,000 से कम होती है, उसमें अधिकतर लोग कृषि, पशुपालन, इन क्रियाओं में, इन कार्यों में संलग्न होते हैं, और वहाँ थोड़ा बहुत लघु उद्योग भी होते हैं और स्कूल कॉलेजेस, प्राथमिक जो कॉलेज बच्चों के हैं वो सारी सुविधाएं ऐसे स्थानों पर उपलब्ध होती हैं। ये क्या कहलाती है, ग्रामीण बस्तियाँ। इसके बाद हमारी आती है नगरीय बस्तियाँ। तो नगरीय बस्तियाँ हम कस्बा, ये कस्बा टाइप गाँव से थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है, तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं ये, इनको हम नगरीय बस्ती कहते हैं। इनमें लोगों के लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के व्यवसाय करते हैं, इसमें लोगों का उद्योग है, विनिर्माण है, मनोरंजन के साधन हैं, परिवहन है, आदि क्रियाओं में लोग संलग्न रहते हैं। अब देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, अब हम बताते हैं आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ये हमने एक इसके द्वारा हमने बताया है कि ग्रामीणों के कितने प्रकार होते हैं। नंबर एक गुच्छित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां क्या किसे कहते हैं। गुच्छित बस्तियों से अभिप्राय है, हम एक सीधी सरल भाषा कह सकते हैं, जहां पर मकान घने बने, गुच्छित से मतलब घने यानी पास पास, जैसे ये है
सटे हुए या बहुत पास पास घने बसे हुए गांव को या बस्ती को हम गुच्छित बस्तियां कहते हैं। और ये बस्तियां हमारे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर लोगों को सुलभता से फसल कृषि के लिए भूमि उपलब्ध हो, जल उपलब्ध हो, ये सारी चीजें हमको जो संसाधन प्राप्त होते हैं, ऐसे स्थान पर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। अब है नंबर दो, अर्धगुच्छित बस्तियां। अब अर्धगुच्छित बस्तियों में, अर्धगुच्छित बस्तियों में लोगों के घर या मकान थोड़े दूर दूर होते हैं गांव से ही। जैसे इसी गांव में है तो गांव से दूर थोड़ा इधर, यानी दूर कि जैसे जैसे क्या कहते हैं, जैसे हमारे घर बने हुए हैं इसी गांव में, और गांव से जाकर के लोग अपने जैसे उनके खेत हैं या खेती करते हैं इनके वो है, वहां जाकर दूर दूर अपने बस जाते हैं। ऐसे ऐसी बस्तियों को हम अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। नंबर तीन है पल्लीकृत बस्तियां। नंबर तीन कौन सी है? पल्लीकृत बस्तियां। पल्लीकृत बस्तियां वो बस्तियां हैं, ये भी एक घनी बस्ती होती है, लेकिन किसी भौतिक कारण से ये विभाजित हो जाती हैं। जैसे ये एक क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए किसी रोड के कारण ये मान लीजिए रोड निकल गया, ये रोड हो गया तो कुछ इधर हो गए, इसी गांव के दो भाग हो गए, तो कुछ इधर आ गया और कुछ इधर चला गया। तो इसको अब जैसे लोग इसके नाम चाहे धर ले, लेकिन गांव एक ही रहेगा, चाहे न्यू और ओल्ड। इस प्रकार से जैसे दिल्ली है न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली ओल्ड दिल्ली, इसी प्रकार से जैसे रोड निकलने के कारण ये अलग अलग हो गए, लेकिन है एक ही, ऐसी बस्ती को हम पल्लीकृत बस्ती कहते हैं। एकाकी बस्ती। एकाकी बस्तियां वे बस्तियां हैं जैसे छतरी होती है, थोड़ी फैली फैली होती है, जैसे एक ही कॉलोनी है या सोसाइटी है, उसमें मकान दूर दूर बने रहते हैं, दूर दूर बने होते हैं, उनको हम एकाकी बस्ती कहते हैं। बस्तियों के निर्माण का उद्देश्य, बस्तियों का निर्माण किस उद्देश्य से करते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले बस्तियों का निर्माण मनुष्य अपने निवास के लिए या अपने रहने के हेतु करता है, रहने के लिए करता है। नंबर दो, मनुष्य बस्तियों या मकानों का निर्माण अपने उसमें अनाज या अन्य भंडारण के लिए करता है। नंबर तीन, बस्तियों का निर्माण मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं से अपने को सुरक्षित करने के लिए और कम करने के लिए करता है। जैसे ये वाली ये शीत लहर आती है या बर्फ पड़ती है और कोहरा पड़ता है, उससे मनुष्य घरों में अपने को उससे सुरक्षित रख सकता है। इसलिए मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ये घरों का निर्माण करता है। नंबर चार, यानी बस्तियों का निर्माण या आवासों का निर्माण मनुष्य धार्मिक मंदिरों और शिक्षण संस्थानों आदि के लिए भी करता है। दैट्स ऑल।